पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है और इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। यूपी और बिहार में इस पर्व को खिचड़ी कहा जाता है, तो वहीं कई राज्यों में इसे लोहड़ी के नाम से भी मनाया जाता है। हर जगह की परंपराएं और मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जिसे लोग खुशी से निभाते हैं, कुछ मनोरंजन के नाम पर तो कुछ परंपरा के आधार पर, लेकिन ये परंपरा कई बार मौत की भी वजह बन जाती है। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर होने वाले पतंगबाजी की। सबसे पहले आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम जी इस दिन लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ पतंग उड़ाए थे और वो पतंग इंद्रलोक तक गई थी। इसी वजह से हर साल मकर संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाकर उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये उत्सव कुछ लोगों के लिए मातम बन जाता है जब कोई इस कातिल चाइनीज मांझे का शिकार हो जाता है। इस खतरनाक मांझे से परिंदों की मौत तो होती ही है, साथ ही इसके मांझे में फंसकर लोग भी घायल हो जाते हैं। वहीं कई लोग पतंग उड़ाने के चक्कर में छत से या किसी ऊंचाई से गिर जाते हैं। इन घटनाओं में बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। पिछले साल गुजरात में मांझे की चपेट में आने से 60 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं 69 लोग ऐसे थे जो पतंगबाजी के दौरान अपनी छत या किसी ऊंचाई से गिर गए थे। 2021 में मकर संक्रांति पर 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा को 1000 से भी अधिक इमरजेंसी कॉल आए। वहीं 2022 में मकर संक्रांति पर 1200 से भी अधिक इमरजेंसी कॉल दर्ज की गई। आपको बता दें कि इन बढ़ते घटनाओं को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में PIL डालकर पतंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें पतंगों को उड़ाने, बनाने, बेचने और खरीदने के साथ जमा करने पर प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को पिछले साल अगस्त में ही खारिज कर दिया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि पतंगबाजी एक सांस्कृतिक गतिविधि का हिस्सा है, इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कोर्ट ने चाइनीज मांझे को लेकर NGT के कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।